चैनल को फॉलो करने के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें। अगर आप हमारा एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अब आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहेगी। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम हमारे फेलो सब्सक्राइबर्स के कुछ डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उनको स्टैटिस्टिक्स के कुछ सम्स में प्रॉब्लम आए हैं जिन्हें मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला सम है हार्मोनिक मीन पे। सो हम लोगों को क्लास इंटरवल गिवन है सीआई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। एंड हम लोगों को फ्रीक्वेंसी भी लिस्टेड है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2, 7, 13, 5 और 3। तो सबसे पहले हम लोगों को हार्मोनिक मीन का डिस्कशन है। हार्मोनिक मीन हम लोग को, अगर आपको याद होगा तो हार्मोनिक मीन का कैलकुलेशंस हम रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, इन द सेंस रेसिप्रोकल्स में काम किया जाता है। सो सबसे पहले हम लोगों को एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन के लिए, जो कि एक कंपल्शन है। सो एक्स क्या होता है, दिस प्लस दिस बाई टू, दैट इज 0 प्लस 10 बाई टू, दैट इज 5। सेकेंड क्या हो गया, 20 प्लस 10 बाई टू, दैट इज 30 बाई टू, दैट इज 15। थर्ड हो गया 20 प्लस 30 बाई टू, दैट इज 50 बाई टू, दैट इज 25। 30 प्लस 40 बाई टू, दैट इज 70 बाई टू, दैट इज 35। एंड 40 प्लस 50 बाई टू, दैट इज 90 बाई टू, दैट इज 45। सो हम लोगों का x कैलकुलेट हो गया। इफ यू रिमेंबर, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है फॉर ग्रुप डेटा समेशन f बाई समेशन f बाई x। सो आई नीड दिस f बाई x। तो पहले 1 बाई x कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 by x equals to 1 by 5, 1 by 15, 1 by 25, 1 by 35 and 1 by 45। इसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा f by x। f by x is basically this into this, that is 2 by 5, 7 by 15, 13 by 25, 5 by 35 and 3 by 45। द होल प्रॉब्लम इज कि इनको एड करना इतना सिंपल डील नहीं है। समेशन एफ एफ बाई एक्स निकालना इज नॉट एन ईजी डील। ठीक, तो हम लोगों को इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आई विल डू द कैलकुलेशन हियर। सो समेशन एफ बाई एक्स इज 2 बाई 5 प्लस 7 बाई 15 प्लस 13 बाई 25 प्लस 35 सॉरी 5 बाई 35 प्लस 3 बाई 45। ठीक, सो अब हम लोग को इसका एलसीएम चाहिए। सो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 5, 15, 25, 35 और 45 का, सो आपका एलसीएम आएगा 1575। आपको ऑब्वियसली आई एम होपिंग आपको एलसीएम लेना आता है, तो ये बहुत इजी प्रोसीडियर है। 1575 को बाई 5 करेंगे और फिर उसको ऊपर इंटू 2 करेंगे तो 630 आएगा। आई हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशंस फॉर इजियर, एंड इनफैक्ट बीकॉम का है तो आपके पास कैलकुलेटर भी होगा, तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा इन कैलकुलेशंस में। दैट इज 735 प्लस 819 प्लस 225 प्लस 105। सो इसका टोटल करेंगे तो आएगा 2514 बाई 1575, जो कि कटता है 3 से, और यहां पे आएगा हम लोगों का 838 बाई 525। सो दैट इज 838 बाई 525। This is my summation fx, 838 by 525। और इसका summation f करेंगे तो 13 plus 7 20, 25 30, so summation f is equals to 30। So हम लोग का आएगा 30 whole divided by 838 divided by 525, जिसको reciprocal करेंगे 30 into 525 by 838, जिसका final solving आएगा 18 333 बाई 419, जो कि रफली 18.79 तक आएगा। ठीक, सो कैलकुलेशंस आपका कैलकुलेटर परफॉर्म कर सकता है। हार्मोनिक मीन और भी कोई लोअर लेवल पे है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सम।
सो हमारा सम ये है, हम लोगों को यहाँ पे तीन मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, सो जानबूझ के इनको क्वेश्चन मार्क ना रखते हुए एक को ए, एक को बी और एक को सी ले लेते हैं, दैट वुड बिकम वेरी इजी। हम लोगों को क्या चीज गिवेन है, हम लोगों को दो चीज गिवेन है, सबसे पहला गिवेन है मीडियन, एम सिंबलाइज फॉर मीडियन एंड जेड सिंबलाइज फॉर मोड, और तीसरा चीज गिवेन है एन। तो ऑब्वियसली मीडियन के लिए हम लोग को सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सहारा लेना पड़ेगा, तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सी एफ दिस इज 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 30 40, दिस इज 40 प्लस ए। बहुत लोग हड़बड़ी में मिस्टेक करते हैं, 40 प्लस ए 40 ए नहीं होता है, दीज आर टू डिफरेंट स्टफ, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज 40 प्लस ए प्लस बी, 40 प्लस ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज 42 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। इफ यू रिमेंबर यही हमारा एन होता है और ये हम लोगों को गिवन है, सो आई कैन राइट 42 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 115, जिसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 115 माइनस 42, दैट इज 73। सो 11 सो हम लोग का ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 73 आ गया है, इसको आगे यूज करेंगे किसी तरीके पे। सेकेंड चीज मेरे को पता है मीडियन 67 है, मीडियन में सबसे पहले हम लोग एन बाई टू कैलकुलेट करते हैं, एन बाई टू क्या होता है इज 115 बाई टू, दैट इज 57.5 किस में लाई करता है, आई डू नॉट नो, हाउ विल आई जज, सीएस को देख के तो नहीं पता चल रहा है, हो सकता है वो इसमें लाई करे, हो सकता है इसमें लाई करे, बट इफ यू रिमेंबर मीडियन तो पक्का कोई क्लास में लाई करता होगा, तो 60 से 80 वाले क्लास में 67 लाई करता है, तो यही मेरा मीडियन क्लास है। सो अगर ये मेरा मीडियन क्लास है तो ऑटोमेटिकली ये मेरा एल हो गया, ये मेरा सी एफ जीरो हो गया और ये मेरा एफ वन हो गया। सो मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ जीरो बाई एफ वन इंटू आई। सो आई क्या है मेरा, ये गैप है, दैट इज 20। सो आई कैलकुलेट एल इज मेरा 60 प्लस एन बाई टू इज 57.5 माइनस सी एफ जीरो इज 40 डिवाइडेड बाई एफ वन इज ए। अच्छा मीडियन इज ऑब्वियसली गिवन, दैट इज 67, ए इंटू आई इज 20। सो इसको उधर भेज देंगे, सो विच इंप्लाइज 67 माइनस 60 दैट इज 7 इज इक्वल टू 57 दिस माइनस, तो 17.5 डिवाइडेड बाई ए इंटू 20 विच इंप्लाइज 7a इज इक्वल्स टू 17 × 2 = 34, 35, 350 विच इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू 350 बाई 7 दैट इज 50। तो a का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हम लोगों को मोड गिवन है, सो मोड इज इक्वल्स टू सेम जैसे हमने मीडियन क्लास जज किया, मोड 68 है, तो इससे मेरा मॉडल क्लास जज होगा। अगर ये मॉडल क्लास है तो ऑब्वियसली ये मेरा F1 है, इसके ऊपर वाला F0 है, ये मेरा F2 है और इसके बगल वाला मेरा L है और I तो 20 ही रहेगा। सो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड या Z लिख लेते हैं जैसा कि इसका सिंबल यूज है, सो Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F1 सॉरी F0 माइनस F2 इंटू आई। सो मोड क्या है 68, लोअर लिमिट क्या है हम लोगों का 60, सो आई पुट 60 हियर प्लस एफ वन क्या है मेरा ए माइनस एफ जीरो क्या है उसके ऊपर वाला 30 बाई 2a माइनस 30 माइनस बी इंटू 20। 60 को उधर भेज देंगे, सो 68 माइनस 60 दैट इज 8 इक्वल्स टू, ए का वैल्यू मेरे को पता है, ए का 50 आया था अभी मेरा, तो 50 माइनस 30 बाई 2 इंटू 50 दैट इज 100 माइनस 30 माइनस बी इंटू 20 विच इंप्लाइज 8 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 30 दैट इज 20 इंटू 20 400 बाई 70 माइनस बी, इसको उधर भेज देते हैं, सो 70 माइनस बी और 8 को नीचे ले आते हैं दैट इज 400 बाई 8, 8 से कटेगा 50 विच इंप्लाइज 70 माइनस बी इक्वल्स टू 50 विच इंप्लाइज 70
माइनस 50 इक्वल्स टू बी विच इंप्लाइज 20 इक्वल्स टू बी. सो बी का वैल्यू भी आ गया, ए का 50, बी का 20. इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 73. ए का वैल्यू है 50, बी का वैल्यू है 20 प्लस सी इज इक्वल्स टू 73 विच इंप्लाइज 70 प्लस सी इक्वल्स टू 73 विच इंप्लाइज सी इज इक्वल्स टू 73 माइनस 70 दैट इज 3. सो ए बी सी तीनों आ गया, इसका वैल्यू 50, इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 3. सो आई एम होपिंग आपको सब समझ में आ रहा होगा. एंड नाउ कमिंग टू आवर लास्ट सम. सो इस सम में हम लोगों को P22 और D8 कैलकुलेट करना है. P इज परसेंट टाइम एंड D इज डेसाइल. दोनों पार्टीशन वैल्यूज के वीडियो में हमने डिस्कस किया था. पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है कि मेरा जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस हो. तो अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो कंटिन्यूअस बनाना पड़े. सो इन दोनों का गैप क्या है, 130 और 29 के बीच, और 1 का आधा क्या होता है 0.5. तो इस वाले में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस वाले में से 0.5 ऐड करेंगे. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज के हिसाब से ये मेरा आएगा 19.5 से 29.5, ये 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5 और 69.5 से 79.5. ठीक. और सेकेंड चीज मेरा रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज CF. CF इज 2, 19 प्लस 2 इज 21, 21 प्लस 20 इज 41, 41 प्लस 21 इज 62, 62 प्लस 15 इज 77, 77 प्लस 13 इज 90. सो P22 कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 22N बाय 100. N है मेरा 90, सो देयरफॉर 22 इंटू 9 बाय 100 जो कि हम लोगों का आता है 19.8. किस क्लास इंटरवल में लाई करते हैं, इसमें. सो हम लोगों का लोअर लिमिट हो गया ये मेरा हो गया, इसके ऊपर वाला मेरा हो गया CF0 और ये हो गया मेरा F1. सो इसके हिसाब से अगर मैं चलूं, सो मेरा P22 का फॉर्मूला क्या है, L प्लस 22N बाई 100 माइनस CF0 बाई F1 इंटू I. और मेरा I क्या है, दिस गैप. इधर से चाहे गैप लो चाहे इधर से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सॉरी, सबसे बड़ा मिस्टेक यही होगा कि आप L को ये लो, L आपका ये होगा. ठीक, कंटिन्यूअस वाला लेना होगा, नॉन कंटिन्यूअस वाला नहीं कंसिडर कर सकते आप. सो L मेरा ये होगा और गैप मेरा 10 है. सो L इज माई 29.5 प्लस 22 बाई 19.8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 10. सो 29.5 प्लस 178 बाई 19. सो 29.5 प्लस 9.36 अगर सॉरी 37 अगर राउंड ऑफ करे, सो 38.87 इज द आंसर. नेक्स्ट है हमारा D8 के कैलकुलेशन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, 8N by 10 क्योंकि डेसाइल है तो by 10 आएगा, दैट इज 8 इंटू 90 by 10 दैट इज 72. 72 किस में लाई करता है, इस क्लास इंटरवल में. तो ये मेरा क्लास इंटरवल हो गया, उसके लिए इसका लोअर लिमिट ये होगा. ऑब्वियसली ये वाला मेरा CF0 हो गया और ये मेरा F1 हो गया. सो D8 इज इक्वल्स टू L प्लस 8N by 10 माइनस CF0 by F1 into I. सो दिस इज L क्या हो गया मेरा 59.5 प्लस 8N by 2 दैट इज 72 माइनस CF0 क्या हो गया 62 by F1 क्या हो गया 15 into 10.
सो 59.5 प्लस 10 इंटू 10 100 बाई 15 इज इक्वल्स टू 59.5 प्लस 6.67. सो इसको ऐड करेंगे 7 1 कैरी 10 6 1 कैरी 6 66.17. सो दीज आर द टू आंसर्स. आई एम होपिंग आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं. और अगर आप में से किसी और को भी और कोई डाउट्स है तो आप हमें जरूर सेंड करें. प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियोस, लाइक आवर वीडियोस. थैंक यू.